हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग फिर नए क्लास के साथ उपस्थित हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, अभी हमारे बीच प्रिपरेशन ही चल रहा था हेलोरिंग्स का, और हमने देखा था डीएजोटाइजेशन। क्या देखा था? डीएजोटाइजेशन। उससे पहले हम लोगों ने 11th से बनाया था हेलोरिकेन हेलोरिंग्स को, 11th के द्वारा देखा था हम लोगों ने। फिर उसके बाद हम लोग आए थे डीएजोटाइजेशन पे। कहाँ आए थे? डीएजोटाइजेशन पे। तो मैं थोड़ा सा फिर उस बात को रिकेप कर देना चाहता हूँ कि आपके जहन में बैठ जाए, फिर से आप तरोताजा हो जाए। तो हम लोगों ने देखा था कि जब एनिलीन की अभिक्रिया, किसका अभिक्रिया? एनिलीन की, यानी किसी भी बेंजीन रिंग में जब हम एक NH2 समूह अटैच कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमाइनो बेंजीन, या उसके एक और कॉमन और बहुत ही चर्चित नाम है जिसको हम लोगों ने बोला था एनिलीन। तो जब एनिलीन की अभिक्रिया हम लोगों ने कराया था NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में, और हमने जो टेम्परेचर लिया था, जो टेम्परेचर का रेंज था हमारे पास, वह था 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। तो जब हमने वो लिया था टेम्परेचर, तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आया था और जिसका नाम था सॉल्ट यानी नमक, और वो मिला था बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या मिला था? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। और उसका बहुत ही यूज है हमारे बीच, हमने बताया भी था पिछले क्लास में कि उसका यूज किया जाता है डाई बनाने में, जैसे रेड डाई, येलो डाई, कपलिंग रिएक्शन के द्वारा वह बनाया जाता है। मैंने बताया भी था थोड़ा सा टाइम लेके उसके बारे में। तो हम लोग फिर उस रिएक्शन को एक बार देख लेते हैं थोड़ा समय में। बेंजीन रिंग हम लोग देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। जब हमने बेंजीन रिंग के ऊपर क्या लगाया था? NH2 समूह। क्या लगाया था? NH2 समूह। इसका नाम हम लोगों ने दिया था एनिलीन। क्या नाम दिया था? एनिलीन, या इसका एक और नाम है अमाइनो बेंजीन। क्या नाम है स्टूडेंट? अमाइनो बेंजीन। और इसका रिएक्शन हम करा रहे थे NaNO2 यानी सोडियम नाइट्रोक्साइड प्लस HCl के उपस्थिति में, और जो टेम्परेचर हमने लिया था 0 से 5 डिग्री सेल्सियस या आइस कोल्ड की उपस्थिति में। किसके उपस्थिति में? आइस कोल्ड, यानी कि आइस, आइस तो हम समझ सकते हैं कि आइस क्या होता है? चिल्ड होता है, ठंडा होता है। तो आइस कोल्ड की उपस्थिति में तो हमारे पास एक प्रोडक्ट बन के आ जाता है बेंजीन रिंग और एन टू, और यहां आ जाता है सीएल। इसका नाम होता है बीडीसी, बीडीसी यानी बेंजीन, बेंजीन डायजोनियम, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्लस एक और चीज हम सब प्रोडक्ट में लिख सकते हैं 2H2, ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2H2। तो इस रिएक्शन को बोला जा रहा था डीएजोटाइजेशन। क्या बोला जा रहा था स्टूडेंट? डीएजोटाइजेशन। तो इसको आप लैंग्वेज में कैसे लिख सकते हैं? मैंने बताया भी था कि जब एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे किया जाता है तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है? बीडीसी, इट मींस बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका अब हम लोग देखते हैं मैकेनिज्म। क्या देखना है? मैकेनिज्म। ये तो रटा मार वाला हो गया कि ये मैंने याद कर लिया, याद हो गया, लेकिन ये जो इनपुट है हमारे पास और जो हमारे पास आउटपुट यानी जो प्रोडक्ट बन के आया, आखिर वो आया कैसे है, क्या क्या रिएक्शन हुआ है, कैसे रिएक्शन हुआ है, तो ये हमको कैसे पता चलेगा? जब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म देखेंगे। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसके मैकेनिज्म पे ध्यान देंगे कि मैकेनिज्म इसका कैसे होगा। मैकेनिज्म कल सुबह मुझे
मैकेनिज्म इसका देख लेते हैं, देखते हैं हम मैकेनिज्म मैकेनिज्म ऑफ डी एजोटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डी एजोटाइजेशन, मैकेनिज्म ऑफ डी एजोटाइजेशन जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, क्रियाविधि। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, क्रियाविधि। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम लोग देखते हैं, बहुत ही शॉर्टकट मैकेनिज्म है, ज्यादा कुछ लेंथी नहीं है, ज्यादा कुछ करने वाला नहीं है, बस हमें स्टेप्स ध्यान रखने हैं। क्या ध्यान रखने हैं, स्टेप। तो स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं, स्टेप फर्स्ट क्या देखते हैं, स्टेप फर्स्ट में हम देखते हैं क्या हो रहा है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में एनिलीन का रिएक्शन कराया जाता है, ये हमारे पास क्या हो गया, एनिलीन। क्या हो गया, एनिलीन। इसका रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl के साथ, यानी एनिलीन का रिएक्शन किसके साथ कराया जा रहा है, HCl के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। इसका स्टेट क्या होता है, इसका स्टेट जो है वह लिक्विड होता है। कैसा स्टेट होता है, लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो हमारे पास मिल जाता है एनिलीन में क्या मिला दिया हमने, एनिलीन में हमने मिला दिया HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हमारे पास प्रोडक्ट वन क्या आ जाता है, NH2 और इसके साथ आ जाता है HCl। NH2 के साथ क्या आ जाता है, HCl। ये हमारा हुआ स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकंड, NaNO2 NaNO2 प्लस HCl, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट वन क्या जाता है, NaCl प्लस क्या बच गया हमारे पास, NaCl जब बाहर हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, HNO2। क्या बच गया स्टूडेंट, यहां से क्या बच गया हमारे पास H, और यहां से क्या बच गया NO2, यानी प्लस हम क्या लिख दें, HNO2। इसका नाम हो जाता है नाइट्रस एसिड। क्या नाम हो जाता है, नाइट्रस क्या नाम हो जाता है, नाइट्रस एसिड। क्या नाम हो जाता है हमारे पास, नाइट्रस एसिड। सो हम देखते हैं कि सेकेंड स्टेप में हमारे पास क्या मिल गया, जब सोडियम नाइट्रोक्साइड की अभिक्रिया HCl के साथ होता है, किसके साथ, HCl के साथ, तो हमारे पास प्रोडक्ट में क्या मिल गया, नमक NaCl प्लस इसके साथ एक और हमारे पास प्रोडक्ट बन गया जिसका हमने नाम क्या दे दिया, नाइट्रस एसिड HNO2 इज कॉल्ड नाइट्रस एसिड, HNO3 इज कॉल्ड नाइट्रिक एसिड। तो ये हमारे पास क्या मिला है, HNO2 जिसका नाम क्या है, नाइट्रस एसिड। अब स्टेप थर्ड देखते हैं स्टूडेंट, स्टेप थर्ड फिर हम रिएक्शन कराते हैं NH2, किसका रिएक्शन करा रहे हैं, NH2 into HCl। अब इसका रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, HNO2 के साथ, किसके साथ, HNO2 के साथ। तो हमारे पास प्रोडक्ट वन क्या आ जाता है, NNCl, Cl पे नेगेटिव चार्ज और N पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए हमारे पास कितना नाइट्रोजन एटम है, एक यहां पे है और एक यहां पे है, दो नाइट्रोजन एटम, दो हमारे पास आ गया, एक क्लोरीन है, क्लोरीन भी आ गया, हमारे पास रिमेन क्या बचा, दो हाइड्रोजन एटम यहां, एक यहां, तीन, एक यहां, चार।
चार हाइड्रोजन एटम और दो ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन दो, तो ये दोनों मिलके निकल जाता है 2H2O। और यहां पे प्रोडक्ट में हमारे पास क्या मिल गया, BDC, क्या मिल गया BDC। तो यह इसका मैकेनिज्म बहुत ही साधारण मैकेनिज्म है, कुछ इसमें याद करने वाला नहीं है, बस आपको स्टेप ध्यान में रखना है कि पहले किसका रिएक्शन होगा और किससे रिएक्शन होगा। तो स्टेप फर्स्ट में हमने रिएक्शन कराया एनिलीन का हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, इसके साथ कराया एनिलीन का रिएक्शन कराया किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। यहां से हमने एनिलीन और हाइड्रोजन क्लोराइड को क्या किया, एक साथ मिक्स कर लिया, मर्ज कर लिया। फिर हमने जो हम एक्सेप्टर के रूप में हमने जो लिया है, जो एरो के ऊपर लिया है, उसका रिएक्शन कराया है, यानी सोडियम नाइट्रोक्साइड का रिएक्शन कराया है HCl के साथ। तो हमारे पास बन के आ गया है NaCl यानी सॉल्ट प्लस नाइट्रस एसिड। फिर हमने नाइट्रस एसिड को कहां डाला है, बेंजीन और HCl के साथ। तो हमारे पास क्या बन के आ गया है, BDC बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये इसका मैकेनिज्म है, और इस पे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं डीएजोटाइजेशन से, मैं अभी बता रहा हूं। इसको नोट कर लीजिए आप लोग नोटबुक के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है डीएजोटाइजेशन। ये मैकेनिज्म था डीएजोटाइजेशन का, आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, चलना बंद कर दिया अब देखिए यहाँ पे इससे क्वेश्चन कैसे अराइज किए जाते हैं, ये थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। पहला तो क्वेश्चन आता है कंप्लीट द फॉलोइंग, कंप्लीट द फॉलोइंग। इसमें थोड़ा सा एक क्वेश्चन आता है ऐसे, NH2 यहां पे एरो दिया रहेगा, यहां पे आपके सब्स्टिट्यूट में दिया रहेगा NaNO2 प्लस HCl, और यहां पे दिया रहेगा 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पे वाट लिखा रहेगा और आपको बताना है कि यहां प्रोडक्ट क्या होगा, यहां पे प्रोडक्ट क्या होगा। तो आपको अपने दिमाग को अप्लाई करना है, अपना सोचना है अपने दिमाग से कि यह रिएक्शन मुझे कहां मिला है, मैंने इस रिएक्शन को कहां देखा है, कैसे देखा है। तो आपको सोचना है कि जब एनिलीन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, NaNO2 और HCl के साथ हो रही है, तो वहां पे आपको प्रोडक्ट लिखना है कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो हमने ऑलरेडी देख चुका है डीएजोटाइजेशन, क्या देख लिया है, डीएजोटाइजेशन। तो हमें याद आना चाहिए वहां पे, हमारे माइंड पे जोर डालना है कि यहां पे क्या प्रोडक्ट होगा हमारे पास। तो एक सेकंड का क्वेश्चन है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, एन ट्रिपल बॉन्ड एन, और यहां क्या हो गया सीएल माइनस, और यहां क्या हो गया प्लस सीएल, और यहां क्या हो गया प्लस, बस बन गया। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे आता है, इस पर यह क्वेश्चन एराइज होता है, इसको आप बना लीजिए, लैंग्वेज कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको रिएक्शन लिख डालना, क्योंकि ऑर्गेनिक में जब भी बात किया जाएगा तो रिएक्शन का बात किया जाएगा, लैंग्वेज का डिस्कशन आपको वहां पे नहीं करना है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन डीएजोटाइजेशन पे आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन एक और तरीका से पूछा जा सकता है, एक और तरीका से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, मैं बता रहा हूं, किस टाइप का क्वेश्चन आता है इसे, यहां पे दिया हुआ रहेगा आपको कन्वर्ट
convert aniline to benzene diazonium chloride. benzene diazonium chloride. ठीक है, इस टाइप से भी ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, हिंदी में भी बता रहा हूं. एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्राप्त करें. एनिलीन से आपको क्या बनाना है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. तो हमें ध्यान देना है कि कौन सा वो रिएक्शन है जिसके द्वारा हम बेंजीन एनिलीन से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड में जा सकते हैं. तो हमें वहां पे अपने दिमाग को दौड़ाना है, अपने दिमाग पे लोड डालना है कि कौन सा रिएक्शन है हमारे पास याद होनी चाहिए. हमने ऑलरेडी उसको पढ़ रखा है, उस रिएक्शन को हमने ऑलरेडी देख रखा है. तो हमारे पास वहां पे याद आना चाहिए कि हमने एक डीएजोटाइजेशन पढ़ा था जिसमें हमने एनिलीन से क्या बनाया था, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनाया था. बस वही लिख देना है आपको. लैंग्वेज में कैसे लिखना है? सबसे पहले इसका आंसर लिखना है, आंसर, और फिर इस रिएक्शन को लिखना है कि यानी जब हम एनिलीन की अभिक्रिया NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है तो हमारे पास क्या मिलता है? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड. क्या मिलता है स्टूडेंट? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, जिसको हमने शॉर्ट में क्या लिख रखा है? BDC. ठीक है, हो गया आंसर इसका. इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, इसका रिएक्शन लिख डालना. तो इस टाइप का क्वेश्चन यहां से अराइज हो सकते हैं. ठीक है, एक और चीज हम देखते हैं. अब इस टाइप का क्वेश्चन आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको आपको ट्राई करना है, कोशिश करना है. हमने रिएक्शन ऑलरेडी देख रखा है. अब इस पे हम देखते हैं कि डीएजोटाइजेशन में और कौन कौन से रिएक्शन आ सकते हैं. ठीक है, तो डीएजोटाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तीन रिएक्शन है. तीन रिएक्शन आता है इसका, और तीनों का तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डीएजोटाइजेशन के ऊपर. अब देखिए, डीएजोटाइजेशन किसने दिया था? क्रेसिस ने 1858 ईस्वी में, मैंने बताया था आपको. अब इसी डीएजोटाइजेशन का यूज करके सेंट मेयर्स ने एक रिएक्शन बना दिया, गेटरमैन ने एक रिएक्शन बना दिया, और साथ ही साथ एक और रिएक्शन आ गया, बार्ज सीमेल जी ने बना दिया. तो डीएजोटाइजेशन एक प्रोसेस है जिसका यूज हमें करना है सेंट मेयर्स रिएक्शन के अंदर, गेटरमैन रिएक्शन के अंदर, बार्ज सीमेल रिएक्शन के अंदर. किसका यूज करना है हमें? डीएजोटाइजेशन. तो अब हम देखते हैं इसके अंदर ए दिया जाए, पॉइंट ए, ए इस रिएक्शन का नाम है सेंट मेयर रिएक्शन. क्या नाम है स्टूडेंट? सेंट मेयर्स रिएक्शन. क्या
क्या नाम है इसका? सैंडवेयर रिएक्शन। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं हम सैंड मेयर अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, क्या देखना है हमें? सैंडमेयर अभिक्रिया। ठीक है, तो अब हमें यह बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको वीवीआई लगा लिया जाए। सैंडमेयर रिएक्शन। अब सैंडमेयर रिएक्शन क्या कहता है? इसने डीएजोटाइजेशन का यूज कैसे किया? तो अब हमें जो हमारे पास डीएजोटाइजेशन के द्वारा जो प्रोडक्ट मिला था बीडीसी, उसके द्वारा हमें बनाना है एराइल हैलाइड। एक्चुअल में जो हमारा हमारा जो एम है, जो हमारा मोटो है, वो क्या है? हमें एराइल हैलाइड या अल्काइल हैलाइड बनाना। तो डीएजोटाइजेशन से हमने क्या बना लिया? बीडीसी। और बीडीसी से अब हमें बनाना है एराइल हैलाइड। तो सैंडमेयर साहब ने इसका पहला प्रोसेस बताया, पहला रिएक्शन बताया। देखा जाए यह रिएक्शन क्या है। When benzene diazonium chloride, when benzene diazonium chloride, when benzene diazonium chloride when benzene diazonium chloride treated with treated with cuprous halide, when benzene diazonium chloride treated with cuprous halide, cuprous halide, then aryl halide, then aryl halide obtained, obtained। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया क्यूपरस हैलाइड के साथ होती है तो हमारे पास क्या बन क्या जाता है? एराइल हैलाइड। क्या बन क्या जाता है? एराइल हैलाइड। हिंदी में बना सकते हैं इसको, हिंदी में लिख सकते हैं हम लोग। अब रिएक्शन को देखते हैं कि रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। क्या लेना है हमें? बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड यानी N2 और इसके साथ Cl। इसका नाम क्या है? BDC। क्या नाम है? BDC यानी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। इसका रिएक्शन मैंने करा दिया, इसका रिएक्शन मैंने करा दिया क्यूपरस हैलाइड के साथ। किसके साथ करा दिया? क्यूपरस हैलाइड के साथ, CuX2। इसका नाम है क्यूपरस, क्यूपरस हैलाइड। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो डाई एजो ग्रुप है N2, वह क्या हो जाता है? बाहर हो जाता है और हमारे पास बन क्या आ गया, और यहां क्या लग गया? सी। यानी फाइनली हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन के आ गया? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं? एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं, क्लोरोबेंजीन भी बोल सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब देखिए यहां पे हमने X दिया है। क्या दिया है? X। X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? X रिप्रेजेंट कर रहा है हैलोजन एटम को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन एटम को। यानी X बराबर हम ले सकते हैं Cl भी ले सकते हैं
और क्या ले सकते हैं, वी आर भी ले सकते हैं, एक्स बराबर हम सी एल भी ले सकते हैं और वी आर भी ले सकते हैं। तो इसको हिंदी में हम कैसे बता सकते हैं कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया की ऊपर हैलाइड की उपस्थिति में होती है तो हमारे पास क्या बन के आ जाता है, एराइल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन या बेंजीन क्लोराइड, बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमारे पास था सैंडमेयर्स रिएक्शन। इसके अंदर एक और रिएक्शन आ जाता है, अगर जो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसको सैंडमेयर साहब ने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा दिया, किसके साथ करा दिया, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो उस स्थिति में हमें मिल जाता है आयोडोबेंजीन। क्या मिल जाता है, आयोडोबेंजीन। सैंडमेयर्स ने ही उस रिएक्शन को भी दिया था, थोड़ा सा देख लेते हैं उसको कॉर्नर में। अब देखिए हम बीडीसी का ही रिएक्शन कराते हैं, एन टू सी एल प्लस, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दिया जाए, के आई के साथ, किसके साथ, के आई के साथ। तो सबसे पहले बाहर निकल जाता है KCl, क्या बाहर निकल जाता है, KCl प्लस हमारे पास बन के आ जाता है आयोडीन लग जाता है, और एक और चीज बाहर डाई एजो ग्रुप जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यानी सैंडमेयर्स ने हमें क्लोरोबेंजीन बना के भी दे दिया और हमारे पास और क्या चीज मिल गया, आयोडोबेंजीन भी मिल गया। किस रिएक्शन के द्वारा, सैंडमेयर्स रिएक्शन के द्वारा। अरे बात समझ में, तो सबसे पहले डी एजोटाइजेशन के द्वारा हमने क्या बनाया, बीडीसी, और सैंडमेयर्स के द्वारा बीडीसी से हमने क्या बना लिया, एराइल हैलाइड। इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन एराइज होते हैं, बहुत क्वेश्चन भी आते हैं कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन के रूप में। तो इस पे हम देखते हैं कुछ रिएक्शन भी हमारे पास आ जाता है, इसको मिटा रहा हूं मैं सैंडमेयर्स रिएक्शन को। तो हम लोग देखते हैं कि सैंडमेयर्स रिएक्शन जो है इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे अराइज होते हैं, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये थोड़ा सा देखते हैं हम लोग के देखते हैं। पहला तो क्वेश्चन आता है कन्वर्जन, इस पर कन्वर्जन, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन आता है, इस टाइप का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन, ठीक है। इस क्वेश्चन को और किस टाइप से लिखा जा सकता है, NH2, और इसको इससे आपको प्राप्त करना है C, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है बार बार, कन्वर्ट एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, कन्वर्ट एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, यानी इसको ऐसे भी बताया जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है हमारे पास एग्जाम में, एनिलीन टू आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो हमें सोचना है कि हमारे पास एनिलीन दिया हुआ है और हमें बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन, तो कौन सा रिएक्शन है जिसके द्वारा हम यहां तक पहुंच सकते हैं, क्या हम करें कि हमारे पास एनिलीन से प्रोडक्ट में क्या आ जाए, क्लोरोबेंजीन आ जाए। तो हमने इसके लिए क्या देख रखा है, बीडीसी, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी डी एजोटाइजेशन के द्वारा हम यहां तक पहुंच सकते हैं, और डी एजोटाइजेशन के बाद हमें यहां पे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, सैंडमेयर्स रिएक्शन। यानी डी एजोटाइजेशन के द्वारा हमने क्या बना लिया, बीडीसी, और फिर बीडीसी में सैंडमेयर्स लगा के हमने क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे दो स्टेप में हमारे पास रिएक्शन आ जाएगा, पहला स्टेप में तो हमें
बीडीसी प्राप्त करना है, फिर बीडीसी को सेट में सिलेक्शन लगा के हम क्या बना लेंगे, क्लोरोबंजीन बन गया क्वेश्चन। फिर उसी बीडीसी को हम केआई के साथ यानी पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा के हम क्या बना लेंगे, आयोडोबंजीन बना लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आता है, इसको आप लोग कोशिश कीजिए, अगर नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो आप लोग कमेंट के द्वारा हमें बताइए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर इसको डिस्कस करूंगा, एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, सेकंड आप लोग बनाइएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को यहीं तक स्टॉप करते हैं हम लोग। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बनाइए क्वेश्चन को, मेहनत कीजिए।